नमस्कार, गुड लक बैड लक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुबोध। ऑनलाइन सट्टे का चलन देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। चंद घंटों में मालामाल होने का सपना लेकर रोजाना सैकड़ों लोग विनिंग अंक पर दाव लगाते हैं और पल भर में मालामाल बन जाते हैं। हालांकि सट्टा किंग एक ही शख्स बनता है। आपको बता दें कि घर बैठे विनिंग अंकों पर दाव लगाकर सट्टे के खिलाड़ी रातों रात मालामाल बन रहे हैं। आपको बता दें कि सट्टा मटका और लॉटरी जैसे खेलों में सिर्फ पैसा कमाया ही नहीं जाता है बल्कि गवाया भी जाता है। इसलिए इन खेलों में सोच समझकर ही पैसा निवेश करना चाहिए। भारत में सट्टे खेलने की कानूनी रूप से अपराध की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन कुछ लोग महंगाई के इस दौर में कम वक्त में अमीर बनने के लिए रोजाना विनिंग अंक पर दाव लगाते हैं और करोड़पति बन जाते हैं। सट्टा मटका में किस्मत चमकाने के लिए हर किसी के भाग्य का साथ भी होना जरूरी है। इंसान अपना माइंड यूज करके खुद लग्जरी लाइफ का आनंद भी ले सकता है, वो भी कुछ घंटों के अंदर। इसमें इंसान एक भाग्यशाली अंक का चुनाव कर अपनी सोई किस्मत को चेंज कर सकता है। सट्टा मटका को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में खेला जा सकता है, मगर ज़्यादातर सटोरी डिजिटल माध्यम से घर बैठकर 0 से लेकर 99 के बीच एक अंक का चयन करते हैं। रोजाना सुबह और शाम को सट्टे के नतीजे भी जारी किए जाते हैं। यदि आपका चुना हुआ नंबर लकी ड्रॉ में आता है तो फिर आपकी ज़िंदगी भी पूरी तरह बदल जाएगी और 24 घंटे के अंदर करोड़पति बन जाएंगे। इसके अलावा एक शख्स सट्टा किंग का खिताब भी अपने नाम करता है और पुरस्कार के तौर पर उसे 1 करोड़ की राशि भी दी जाती है। तो चलिए जानते हैं कि महीने के आखिरी दिन 31 जनवरी को किन किन लोगों पर नोटों की बारिश हुई है और एक झटके में बने हैं मालामाल। एक नज़र डालते हैं बुधवार के विनिंग अंकों पर। बता दें कि सट्टा लॉटरी खेलों में वित्तीय जोखिम काफी ज्यादा है। इसी कारण से भारत में इन खेलों पर रोक भी लगाई गई है। लिहाजा जोखिम होने के कारण न्यूज रूम पोस्ट इन खेलों का प्रचार किसी भी रूप में नहीं करता है, इसलिए आप इसे अपने रिस्क पर ही खेलें। तो गुड लक बैड लक में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे दोबारा, तब तक आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।